In this final video, we are talking about the mechanism of Cannizzaro reaction. Cannizzaro's reaction is really strange, really odd, and really dangerous. Dangerous ke sandarbh mein, karne mein dangerous nahi hai. Padhne mein khatarnak lagta hai. Kyun? It has a very rare distinction. It can show a fourth order reaction. ध्यान रखिएगा केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आपको अंदाजा होगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं सेकंड ऑर्डर होते हैं जीरो भी होते हैं बहुत रेयरली थर्ड ऑर्डर होते हैं पर कैनिज़ारो एक बहुत ही खास ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्चुअली फोर्थ ऑर्डर में भी ऑब्जर्व किया गया है ये थोड़ी सी असाधारण बात है कैसे कैसे आता है ये क्या है उसका मैकेनिज्म इनफैक्ट ये दो पैरेलल मैकेनिज्म से चलता है एक जो थर्ड ऑर्डर है और दूसरा जो फोर्थ ऑर्डर है थोड़ा सा खतरनाक रिएक्शन है भयंकर लगेगा एक बार सुनने में आपको क्यों क्योंकि आपके जो देखे परखे समझे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार आपको दांव पर रखकर इसको कलेजा मजबूत करके सुनना होगा तो आइए देखते हैं तमाशा कैनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज्म का यस सबसे पहले देखते हैं OH माइनस के साथ होता क्या है अगर आपके पास है R COH और ध्यान रखिएगा ये R वो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है प्लस OH माइनस हमने तो कर रखा था ठीक है अब व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज दिस ये बिंदियां क्यों बनाई है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेड डॉट्स वो हैं जो रिएक्शन के पहले थे आप ये देखिए ये अप्रोच करेगा अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएंगे क्यों ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही कूद कूद कर ऑक्सीजन के पास जाने का बड़ा शौक होता है उनको लगता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनको मजा आएगा वो स्टेबल होंगे वो ऊपर चले जाते हैं कार्बन बच जाता है तो फिर इसने भी कहा हम आ जाए तुम्हारे पास हाँ हाँ आ जाओ बस लोन पेयर लेकर आना तो बस लोन पेयर डोनेट हो गए और ये यहां अटैच हो गया प्लीज नोट दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें से हीट और बॉयल नहीं लिखना चाहिए होगा ये आपको लिखा आर सी ओ ओ एच इस तरह से सॉरी एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां गया इस तरह से जुड़ गया प्लीज नोट रिवर्सिबल रिएक्शन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉरवर्ड कम जाएगा बैकवर्ड ज्यादा क्यों एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से काम की बात बोलो ध्यान से सुनिए एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से अगर दो दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते अक्सर ये होता है इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं इसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं और ये इधर चला जाता है लेकिन लाखों में करोड़ों में 2, 5, 25, 50 मॉलिक्यूल आ भी जाते हैं ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं ठीक है आइए जाइए अब इसी में से कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ बहुत मजेदार होता है क्या होता है आइए देखिए ये तो लौटना चाह रहा है आप देखिए अगर ये लौट आएगा तो इसके पास एक ऑप्शन है कि धक्का मार के इस OH- को बाहर निकाल दे अगर OH- आपने सुना भी होगा कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है फिर भी माइनस चार्ज ओ के ऊपर है रोते पीटते अगर लीव कर गया बैकवर्ड हो गया रिएक्शन ये तो हो ही सकता है लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार काम और भी हो सकता है कौन सा ये भी हो सकता है कि अगर ये जब लोन पर वापस आ रहा है बहुत रेयर किसी ऐसे केस में लाखों करोड़ों में से एक कहीं कोई ऐसी सेटिंग हो जाए कि एक दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से पास से गुजरे ये बार बार लौटना चाह रहा है कह रहा है हम आएंगे और OH- में भी निकल जाए तो निकल जाए अगर इस हाइड्रोजन के सामने से इस हाइड्रोजन के जस्ट पास से उसी समय कोई दूसरा एल्डिहाइड गुजर रहा हुआ तो यू नो एक बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है बहुत असाधारण बहुत रेयर ये जल्दी नहीं होता आमतौर पर हाइड्रोजन एटम कभी लीविंग ग्रुप नहीं होते क्या 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 हाइड्रोजन एटम H- के रूप में हाइड्राइड आयन के रूप में वो कभी लिविंग ग्रुप नहीं होते थोड़ी बहुत हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है
वो भी बड़े रूप की होती है, हर जगह नहीं होती, कार्बोकैटायंस में होती है। लेकिन यहां पर कुछ बहुत अद्भुत होता है, मॉलिक्यूल झगड़ रहे हैं, ये OH- इसके ऊपर आ गया है, हाइड्रोजन एक एटम है, और जैसे ही अगर किस्मत अच्छी हुई पास से दूसरा एल्डिहाइड गुजर रहा है, ये लौटा और जय श्री राम। आप देखें ये हाइड्रोजन बिल्कुल धड़ाम से जंप मार के दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर आ जाता है। इस तरह से क्या मिलता है, आपको मिलेगा RCOOH, वाओ, क्योंकि हाइड्राइड तो गया, प्लस RCHO-, ये कौन सा है, ये प्राई हाइड्रोजन है जो यहां से कूदी है। इस तरह से आप देखिए, अरे ये तो रिड्यूस हो गया, हां जी, और ये ऑक्सीडाइज हो गया बिल्कुल, और यही तो था कैनिज़ारो रिएक्शन। कुछ बचा है, हाँ थोड़ी सी कसर बची है, ये एसिडिक ज्यादा है और ये बेसिक ज्यादा है, आपस में ही रिएक्ट कर जाए या सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाए, जो भी हो, ये बन जाएगा एच प्लस दे देगा, बन जाएगा RCOO-, और दूसरा बन जाएगा RCH2OH। क्यों, अल्कोक्साइड आयंस काफी बेसिक होते हैं, वो एच प्लस ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक होते हैं, वो एच प्लस दे देंगे, और यही है प्रोडक्ट किसका, आपके प्यारे से कैनिज़ारो रिएक्शन का। दिस इज वन क्लासिकल मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो। यहां पर मैं वार्न करना चाहता हूं, ये कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं है, मैंने जो रूट आपको बताया है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रूट है, मतलब अगर आप इसका रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, ये थर्ड ऑर्डर है, इसके लिए उसको याद रखने के लिए K3 लिखा है, RCHO² OH-, ये होती है इसकी काइनेटिक रेट इक्वेशन। अच्छा कुछ और भी होता है, हाँ क्या होता है, अब देखिए हमने कुछ बहुत इलीगल किया है, क्या हाइड्राइड आयन ऐसे जंप नहीं मारते, वो नॉर्मली लिविंग ग्रुप नहीं होते, तो इसमें एक पैरेलल में ही एक दूसरा रिएक्शन भी होता है, ये गलत नहीं है, ये होता है, पर इसके साथ एक दूसरा भी होता है, ये तब होता है, डोमिनेट करता है जब OH- उतना कंसंट्रेटेड ना हो, लेकिन जैसे जैसे OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा उसी के पैरेलल में, इसी थर्ड ऑर्डर के पैरेलल में एक फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन भी प्रबल हो जाता है, वो कैसा है आइए वो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ यहां पे मजेदार बात यह है, इस पे हम आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, पहले आप इसको देखें, बेस ज्यादा है, हमने क्या कहा था बेस ज्यादा है, तो एक OH- और आता है, वो कहता है आपके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन एसिडिक होती है, तो ये उसको भी छीन लेता है, क्या बात कर रहे हो, जी हां, और आपके पास बन जाता है RCO-O-H, इस तरह से, ये तो बहुत खतरनाक है, दो दो ओ माइनस लगे हुए, बहुत शक्तिशाली प्लस आए, बिल्कुल एकदम वापस लौटने के लिए तड़प रहे हैं, ये तो हाइड्राइड को निकाल कर ही दम लेंगे, यस एग्जैक्टली, आप पाएंगे कि अब जब ये बन गया है तो इसको लीव करना काफी आसान है, रिलेटिवली हाइड्राइड ट्रांसफर बिकम्स इजियर। अब इसके पास, अच्छा और एक सबसे बड़ी बात यह है, OH- लीव कर सकता है, पर अगर ये आएगा तो ऑक्सीजन -2 चार्ज के साथ लीव नहीं करेगी, तो अब ये लीविंग ग्रुप नहीं बचा, ये R तो कभी लीविंग ग्रुप था ही नहीं, ले देके एक ही H है, हरे को हरे नाम, इसी को जाना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है इस टाइप की, इंतजार करेगा कोई दूसरा आ जाए एल्डिहाइड आसपास, और जैसे ही करीब आएगा कोई दूसरा एल्डिहाइड, अगेन ये हाइड्राइड जंप मार के बिल्कुल पूरी पूरा समुद्र पार कर जाएगा और धड़ाम से लंका में प्रवेश कर जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा RCOO- प्लस RCH2OH, मैंने OH लिख दिया है, वैसे
ईमानदारी से बोलूं तो आर सी एच टू ओ माइनस मिलना चाहिए, जो कि बाद में पानी से रिएक्ट कर जाएगा, कहीं से एच प्लस ले लेगा, बना देगा आर सी एच टू ओ एच, साथ में ओ एच माइनस अलग से बन जाएगा। ये जो दूसरा मैकेनिज्म है ये तब प्रबल होता है जब ओ एच माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। रेट और इसकी रेट इक्वेशन क्या है, रेट लॉ क्या है, वही है, बस इस बार इसमें ऐसे ये हो जाएगा। इट इज सेकेंड ऑर्डर ईच विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड एंड ओ एच माइनस, इन शॉर्ट इट बिकम्स अ वेरी रेयर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। और एक बार बहुत पहले जब जेई में सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे तब जेई ने यह भी पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन क्या था, फोर्थ ऑर्डर होता है। ध्यान से देख लीजिए, खूबसूरत मैकेनिज्म है, आप तो रिकॉर्डिंग है तो रिवाइज करके भी देख सकते हैं, कई बार बच्चों को एक बार में एक गले से नहीं उतरता। एंजॉय दिस, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे नए रिएक्शन के साथ, दूसरी नई बातों के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय केमिस्ट्री, हैव फन।